वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे देव जय श्री गणेश। आफ्टर प्रेयर वी डू जेंटल वार्म अप फॉर स्पाइन। सो हम अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे इनहेल करते हुए और वी विल फील लाइक समबडी इज पुलिंग अस अप। हम फुल अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। देन एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। फिर थोड़ा स्पाइनल को जेंटल ट्विस्ट देंगे बैक साइड। एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे, मुड़ेंगे, इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक, इनहेल फ्रंट और बटरफ्लाई स्ट्रेच फॉर लेग्स। इस आसना को पवन मुक्त आसना बोलते हैं। ये बहुत अच्छी एब्डोमिनल मसाज देता है। व्हेन वी हग आवर लेग्स लाइक दिस, तो वन बाय वन भी आप अपने लेग्स को हग कर सकते हो और बोथ लेग्स टुगेदर। अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक ट्रेडिशन दिस पोस्चर इज एक्सेलेंट टू बैलेंस द वता दोषा। वता दोषा मीन्स जिन लोगों को गैस्ट्रिक का गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। वता मीन्स एयर, मतलब जिन लोगों के बॉडी में एयर एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव होता है उनके लिए ये बेस्ट आसना है। धनुरासन एक बहुत अच्छा योगा पोज है जो हमारी एंटायर बॉडी को एलोंगेट करता है। इसमें हम अपने नीज को बेंड करके वी हैव टू ग्रैप द आर एंकल्स एंड फीट विद द हैंड्स फ्रॉम द आउटसाइड लाइक दिस। ट्राई टू यूज द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग्स टू लिफ्ट द बॉडी अप। बिगिनर्स कैन कीप देयर नीज ऑन द ग्राउंड। हियर आई एम एक्सप्लेनिंग हर हाउ टू डू ब्रिज पोज और उसके दिमाग में चल रहा है शी इज लाइक ब्रिज। हाँ ब्रिज पोज देखो आता है। फिर से करो ऐसे रुके रहो, यहाँ पे रुके रहो, मम्मा पकड़ लेगी इसको, यहाँ से सपोर्ट दो। ऐसे रुके रहो, नहीं ऐसे रोल करना, आपको पीछे पैर रखना है, ठीक है? ठीक है करो, हाथ नीचे करो, नीचे करो। देखो देखो हाथ को ऐसे रखना है। रोल द बटक्स एंड स्पाइन ऑफ द फ्लोर, मूव द लेग्स ऑल द वे बिहाइंड द हेड, टच द फ्लोर विद द टोज इफ पॉसिबल। She is doing halasana for the first time. We should be very careful with the kids while doing this pose, क्योंकि इसमें neck पे pressure नहीं आना चाहिए while doing this. So we should give them support like this from back. And don't go so far. ऐसे करो, मम्मा will help you. करो, click your pen. Don't help me, okay? Okay. Okay, कुछ. और पीछे लेके आओ, थोड़ा और पीछे लाना इस बार, ठीक है? अब हम करेंगे सर्वांगासन। This pose is the king of all the asanas. This is called headstand or sirsasana.
बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। आफ्टर दिस पोज इमीडिएटली हमें रेस्ट करना चाहिए, या तो बालकासना में या फिर शवासना में। जठरा परिवर्तासना इज ए योगा ट्विस्ट। ये हमारी बॉडी को रीएनर्जाइज करता है, हमारी बॉडी से फटीक और स्ट्रेस को रिलीज करता है और स्पाइन को लेंथन और रीअलाइंड करता है। इट इम्प्रूव्स द डाइजेशन एंड ब्लड फ्लो एंड इट हेल्प्स विद माइग्रेन एंड हेडेक। तो जिनको डाइजेशन का इशू है और माइग्रेन या हेडेक्स का इशू रहता है, उनको ये आसना जरूर करना चाहिए। इट हेल्प्स अ लॉट। हाउ टू डू दिस आसना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। ये हमारी क्वाड मसल्स को और थाइस मसल्स को स्ट्रेच करता है। इट्स वेरी गुड स्ट्रेचिंग फॉर लेग्स। इन द एंड वी आर डूइंग भ्रामरी। आई एम टीचिंग दिस फर्स्ट टाइम। स्ट्रेट बैठ के अपने आईज और ईयर्स को क्लोज कर लेंगे और हमें एक हमिंग साउंड बनाना है। पहले सांस भरो, रुको रुको रुको, पहले सांस भरो, अब सांस छोड़ो। After this, inhale deeply and feel the happiness in your mind. Parine is getting bored now and she is trying to escape slowly. Thank you all.